नमस्कार। उम्मीद पर आधारित कुछ पंक्तियाँ। कर लेता हूँ बर्दाश्त हर दर्द इसी आस के साथ कि खुदा नूर भी बरसाता है आजमाइशों के बाद। चलिए आज के इस खूबसूरत दिन की शुरुआत करते हैं इस विश्वास के साथ कि आज का दिन बीते हुए दिन से बहुत ही अच्छा है और आने वाला दिन भी आज के दिन से बेहतर होने वाला है। और पता है, मेरी अगर बात करेंगे तो मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये है आपका साथ और ऐसे कार्यक्रम में जो डीडी बिहार का बेहतरीन कार्यक्रम है और कार्यक्रम का नाम है बिहार बिहान। मैं हूँ आपकी होस्ट निहारिका और आप सभी दर्शकों का स्वागत कार्यक्रम बिहार बिहान में। तो हमारे कृतित्व से हमारी पहचान बनती है और हमारे इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं विशेष मेहमान से। आज की बात करूँ तो आज के कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है बिहार प्रशासनिक सेवा के 37th बैच के अधिकारी श्री शशांक शेखर सिन्हा जी को। आपके बारे में बताना भी जरूर चाहूँगी कि शशांक जी फिलहाल कार्य कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार के आप्त सचिव के तौर पर और साथ ही आप बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के अध्यक्ष भी हैं। शशांक जी, बहुत स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका डीडी बिहार का मुझे आमंत्रित करने के लिए। जी, सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर आज हमारे साथ आप मौजूद हैं तो कुछ बातें आपकी अपनी भी और कुछ बातें आपकी सेवा से भी जुड़ी हुई। तो शुरुआत जो मैं करूँगी वो इस सवाल से, क्योंकि जो ये प्रशासनिक सेवा है, लोक सेवा है, इससे हम जुड़ना चाहते हैं क्योंकि सबसे बड़ी बात ये कि ये सीधी तौर पर जनता से जुड़ा हुआ होता है, आपको एक मौका देता है जनता से सीधे जुड़ने का और रूट लेवल पर कार्य करने का। आपने कैसे सोचा कि मुझे प्रशासनिक सेवा को ज्वाइन करना है और बिहार प्रशासनिक सेवा को आपने ज्वाइन किया? नहीं, बिहार प्रशासनिक सेवा से मेरा पैशन रहा है। मेरे पिताजी भी इसी सेवा में थे। जी, मैंने बचपन से उनको देखा, इस सेवा की गरिमा को देखा। अच्छा। और प्रशासनिक सेवा का सबसे अच्छा बात है कि जो सरकार की जो भी सेवाएं हैं उसको समाज के अंतिम निचले पायदान तक पहुंचाना, वो हम लोग की जिम्मेवारी होती है और उसको हम लोग बखूबी करते हैं। और ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती थी, जनता से सीधे जुड़े रहना। अच्छा। सारी समस्याओं का समाधान करना, मैं अपना योगदान देना, तो ये लोक सेवा का मेरा चुनने का सबसे प्रमुख कारण यही था और मैंने चुना इसे। मुझे लगता है जैसा कि आपने बताया कि आपके पिता भी इस सेवा में कार्य कर रहे थे तो आपको बहुत नज़दीक से जानने का मौका भी मिला कि किस तरह से एक प्रशासनिक सेवा का अधिकारी काम कर सकता है, योजनाओं को जनता तक पहुंचा सकता है। और एक वजह रही, अगर आपकी शिक्षा दीक्षा की बात करूं तो कहां से पढ़ाई लिखाई की और जो पारिवारिक माहौल था वो कैसा था, क्या कुछ देखा बचपन के दिनों में और कैसी जर्नी रही अब तक की? बहुत सारे सवाल पर एक साथ बताएं। नहीं, मेरा जो परिवार था बहुत ही खुशहाल परिवार था। मेरे हम लोग चार बहन, दो भाई थे और हम लोगों ने बिल्कुल आपस में एक जो संयुक्त परिवार का माहौल होता है उसमें हम लोगों ने पला बढ़ा। मैंने अपनी इंटर और ग्रेजुएशन की पढ़ाई एन कॉलेज पटना से की। अच्छा। फिर मैंने जूलॉजी में MSc किया वो पटना यूनिवर्सिटी से और फिर वहीं से लॉ भी किया। अच्छा। और लगभग मेरी जो पूरी पढ़ाई लिखाई, स्कूलिंग भी हुई थी केंद्रीय विद्यालय दानापुर से, तो मेरी जो पूरी पढ़ाई लिखाई पटना में ही हुई। अच्छा। और परिवार में रहते हुए भी। जी, अच्छी बात ये हुई कि लगातार आप परिवार के साथ ही रहे और जैसा कि आपने उल्लेख भी किया कि संयुक्त परिवार रहा, एक अलग सा माहौल भी दिखता है संयुक्त परिवार में, सब मिल करके एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं और बच्चे जब उस माहौल को देखते हैं तो सीखने का भी मौका मिलता है। मैं कहूँगी लोगों के प्रति त्याग करने की भावना, सेवा की भावना, कहीं ना कहीं ये बातें भी विकसित होती हैं। अगर मैं आपके पदस्थापन की बात करूं, जब आपका चयन हुआ इस सेवा के लिए तो आज तक की जर्नी तक में कई विभिन्न पदों पर आपने कार्य किया होगा, कुछ मुख्य पदों के बारे में जानकारी देना चाहेंगे? ये मैंने जब 1993 में मैं सेवा में आया, उसके बाद मेरी जो पहली पोस्टिंग हुई वो हुई रुसरा BDO के रूप में। अच्छा। तो वो एक पहला मौका था मुझे सीधी तौर पर जुड़े देने। मुझे याद है कि 1995-97 के दौर में पंचायती राज संस्थाओं को पुनर्जीवित किया गया था, तो पंचायती संस्थानों के साथ कार्य करने का, विकास में जनप्रतिनिधि की भागीदारियों के साथ पहला मेरा वो अनुभव था। जी।
उसके बाद जो मेरी पदस्थापन हुई वो हजारीबाग का, वो मेरा माइलस्टोन है पोस्टिंग का। अच्छा। कार्यपालक कार्यपालक दंडाधिकारी हजारीबाग, वहाँ जो है हम लोग, मुझे एक बहुत ही जीवंत उपायुक्त मिले श्री दीपक कुमार जी, जो बाद में बिहार के मुख्य सचिव भी हुए। उनसे मैंने सीखा कि अगर फंड न भी हो तो कैसे विकास कार्य किया जाए। तो आज हम लोग का वहाँ योगदान है हजारीबाग का जो कैफ्टेरिया, झील कैफ्टेरिया। अच्छा। जो कि पहले एक वीरान पड़ा हुआ था, आज के दिन में वो झील रेस्टोरेंट है। एक वहाँ एक टाउन हॉल का निर्माण हम लोगों ने कराया। अच्छा। इंडोर स्टेडियम का निर्माण कराया। तो वो हमको वहाँ जो विकास के प्रभारी के रूप में एक मेरा बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। उसके बाद मेरा पदस्थापन जो इम्पोर्टेंट हुआ वो BDO रातू के रूप में हुआ। अच्छा अच्छा। वो 2000 का दौर था, जब बिहार झारखंड का बंटवारा हुआ था, नया नया राज्य बना था और मैं वहाँ बना था। तो जो एक झारखंड सरकार का एक एस्पिरेशन था आदिवासियों के उत्थान के लिए, उसमें मैंने अपना सहयोग दिया और बहुत ही अच्छा कार्य किया। उसके बाद जब मैं आया तो जब फिर हम लोग का सेवा का विभाजन हुआ, फिर हमको बिहार का डर मिला। तो फिर मैं बिहार में आया तो मेरी पोस्टिंग हुई फुलवारी शरीफ के अंचलाधिकारी के रूप में। वहाँ भी मैं जिस दिन ज्वाइन किया उसी दिन मुझे याद है कि केंद्र सरकार की टीम आई हुई थी वो एम्स पटना के जमीन के चयन के लिए। अच्छा। और मैं उस दिन से लगा और मैं हम लोगों ने जमीन का चयन किया और आज देखिए आज उसका फलाफल दिखता है कि एम्स पटना पूरी तरह कार्यरत है। तो ये एक मेरा बहुत ही अच्छा योगदान रहा है जो कि CEO फुलवारी शरीफ के रूप में मैं कहूँगा। उसके बाद मेरी पदस्थापना हुई, उसके बाद तो मैं 2-3 जगह रहा विभिन्न पदों पर, लेकिन उसके बाद फिर जो मुख्य पदस्थापन हुआ वो कार्यपालक पदाधिकारी पटना नगर निगम। अच्छा। में हुआ। वो एक बहुत ही चैलेंजिंग पोस्ट था उस वक्त। पटना जो है जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर कार्य कर रहा था, मतलब कि मैं बुरी तरह पिछड़ा हुआ था, हर जगह सड़क अथी पर कूड़ों का अंबार लगा हुआ था, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और उसी वक्त मुझे याद है आउटसोर्सिंग एजेंसी थी A2Z, वो अचानक काम छोड़कर चली गई। तो वो एक चैलेंज था और हम लोगों ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। जैसे ही आपने ज्वाइन किया ये समस्याएं आपके सामने आईं और उसको हम लोग एक्सेप्ट किया, और उसके बाद जो प्लानिंग किया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, वो आज उसके आपके सामने है कि जो हम लोग का सबसे पहला जो अथी था कि डोर टू डोर हम लोग जो कलेक्शन करें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, तो आज वो मूर्त रूप ले चुका है। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। बहुत अच्छा लगता है जिसकी आपने कल्पना की हो, अपने कार्य की शुरुआत की हो, वो कार्य आज आपको देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत में आपका भी योगदान मेरा योगदान था। जी वो पूरी प्लानिंग थी जो कि आज आप मूर्त रूप में देख रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर मेरा जो इम्पोर्टेंट जो कार्य रहा जी, ये कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में, वो था कि पटना में जो अवैध निर्माण जो अपार्टमेंट्स के हो रहे हैं उस पर रोक लगाना। उस पर भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया। हम लोग के नगर आयुक्त थे श्री कुलदीप नारायण, तो उन लोगों के उनके साथ मिलकर काफ़ी अच्छा कार्य किया। उसके बाद एक दो पोस्टिंग के बाद फिर मेरा पदस्थापन हुआ ADM आपदा प्रबंधन पटना के रूप में। अच्छा। और साथ में मुझे एक विशेष दायित्व दिया गया था मेला अवसर प्रकाश उत्सव का। अच्छा, आपको अच्छा, याद होगा कि यह 350 प्रकाश उत्सव के दौरान हमने काफी कार्य किया था और बिहार बहुत उभर कर सामने आया था उस दौरान। बिहार ने पहली बार एक ऐसा एक इवेंट लॉन्च किया जिसमें कि बिहार को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और वो गुरु गोविंद सिंह जी के 350 जयंती पर था वो कार्यक्रम। बड़े पैमाने पर यह कार्यक्रम किया गया था और आप उसके मेला अधिकारी के तौर पर कार्य कर रहे थे सर, तो कैसे चैलेंजेस थे और कैसे इतना सब कुछ मैनेज किया? उसमें मेरा चयन हुआ था बहुत उच्च स्तरीय समिति के द्वारा। इसमें जो मुख्य चैलेंज था कि जो उसमें जो हमारे विदेशी पर्यटक है, जो पर्यटक आए तो एक नया लुक देखने को मिले। उस वक्त पटना सिटी की गलियाँ बहुत संकीर्ण थी, डेवलपमेंट कम था, उसमें राज्य सरकार ने के लगभग सभी विभागों ने कोई ना कोई योजना स्वीकृत की थी। अच्छा। चाहे वो सड़क निर्माण का हो, नाली निर्माण का हो, पेयजल की हो, बिजली का, एक भी तार न दिखे, बल्कि उसमें एक और था कि सब जो उस रूट में है गुरुद्वारे के वो सब एक ही कलर में, उजले कलर में मकान दिखे। अच्छा। तो इस टाइप की बहुत सारी योजनाएं थे, उसको मेरा काम था उसको मॉनिटरिंग करके कोऑर्डिनेट करना, जिसके लिए मुझे लगभग 3 माह का समय मिला था। और हम लोगों ने बहुत अच्छा किया, वो जो कंगन घाट, वो टेंट सिटी वगैरह, मैंने इतना सारा कार्य था। और एक वो मेरे लाइफ का एक मतलब चैलेंज पोस्टिंग था। ठंड के दिन थी, सुबह हम लोग 5 बजे पहुंच जाते थे गंगा नदी के किनारे, तो एक चैलेंजिंग पोस्ट था और बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा। उसमें जो है पर डे हम लोगों ने 5-6 लाख गेस्ट को
अच्छा। का स्वागत किया जो 30 सितंबर से ये 6 जनवरी तक का कार्यक्रम था जी। और मैं कहूँगी कि जब इस तरह का दायित्व आपके ऊपर आता है तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि किस तरह से जो आगंतुक हैं उन्हें वो पूरी सुविधाएं आप मुहैया करा सकें ताकि जो बिहार आए वो बिहार से एक अच्छी अनुभूति के साथ वापस जाए। मतलब मैं इसमें शेयर करना चाहूँगा कि इतना अच्छा जो आपने कहा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का जो व्यवस्था थी। हम लोग के एक परिचित कुछ दिन पहले यूएस गए हुए थे तो बाई चांस वो जा रहे थे तो एक ड्राइवर एक पंजाबी था तो वो बिहार के ही थे। उन्होंने कहा कहाँ से हैं भाई बिहार से, तो फिर उन्होंने इतनी बड़ाई उस ड्राइवर ने की जो कि मीलों दूर है पटना से, लेकिन इतना अच्छा उसने फीडबैक दिया कि उन्होंने मुझे शेयर किया तो मुझे रियली बहुत प्रसन्नता हुई कि हम लोगों ने वास्तव में कुछ किया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सुनकर एक अच्छी अनुभूति होती है क्योंकि हमारी कोशिश थी उस दौरान कि जो भी आए और बिहार सरकार ने भी पूरी तरह से प्रयत्न किया था कि पूरी व्यवस्था चुस्त रहे और दुरुस्त रहे और उसमें आपका योगदान रहा। और सबसे अच्छी बात जो आपने अपनी ये जो घटना शेयर की कि इतने दिनों के बाद भी लोगों के मन में वो एक अच्छी अच्छी बातें बनी हुई हैं वो बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं आपका योगदान इसमें रहा। अगर मैं बात करूँ इस सेवा के तो बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। एक प्रशासनिक अधिकारी को बहुत कुछ देखना पड़ता है और कभी कभी एकाएक समस्याएं भी आ जाती हैं तब आपको निर्णय लेने पड़ते हैं और सारी व्यवस्था को सही रखना पड़ता है। कैसी चुनौतियाँ एक प्रशासनिक सेवा जो लोक सेवा है ये जी ये पूरा चुनौतियों से भरा हुआ है, ये कोई बेड ऑफ रोजेज नहीं है। जी जी बिल्कुल। मतलब इसमें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो जनता के फ्रंट से हो, सरकार के फ्रंट से हो, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, जुडिशियरी के थ्रू, उस बीच में आपको काम निकालना है। अच्छा। कैसे निकालना है ये आपकी पहले था कि लोग ये लोक सेवा था, एक एडमिनिस्ट्रेटर था, जो चाहता था वो करता था। आज के दिन में नहीं है, आज के दिन में आप पार्टिसिपेटिव मैनेजर हैं। कैसे उसमें पार्टिसिपेट करके उसमें आपको जो है उसका उसका फल देना है। जी जी। तो लोक सेवा बहुत ही चैलेंजिंग है और लोक सेवा में क्या होता है कि आजकल मतलब कि जनता की जो आकांक्षा है वो सरकार के प्रति काफ़ी बढ़ गई है। वो चाहती है कि हर चीज़ मुझे सरकार से मिले और उसमें आपको रास्ता निकालना है, उसमें जो जो सरकार की नीतियां हैं उसको एग्जीक्यूट करना है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सेतु का काम करते हैं जनता और सरकार के बीच में, एक सेतु का काम करते हैं। सरकार जो नीतियां बनाती है उसका हम लोग अनुपालन करते हैं, उसको हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं, कार्यान्वयन कराते हैं फील्ड लेवल। और इस दौरान कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, जैसा कि आपने कहा कि ये बेड ऑफ रोजेस बिल्कुल नहीं है, लेकिन चुनौतियां हैं तो जीवन में सफलता भी है, तो चुनौतियों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगर मैं बात करूं आपके अब तक के इस मुकाम के, फ़िलहाल जो आप कार्य कर रहे हैं वो आप स्वास्थ्य विभाग में कार्य कर रहे हैं, और जब स्वास्थ्य विभाग का जिक्र आता है तो जाहिर तौर पर कोरोना की बहुत सारी लहरों का हमने सामना किया है, वो दौर भी देखा है जब बहुत प्रेशर था, बहुत दबाव था, उस वक्त कैसे कार्य किया आपने, कुछ अनुभव जो शेयर करना चाहेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कोरोना जो है वास्तव में वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के लिए चैलेंज था। जब 2019 में जब पहली जब कोरोना की जब केस आया तो आप आश्चर्य करेंगे कि पूरे बिहार में कहीं भी टेस्ट करने की सुविधा नहीं थी। यहाँ से जो सैंपल पुणे जाता था, तो ये कोविड का जो इलाज का जो मोस्ट जो पहला है कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड ट्रीटमेंट। तो सबसे पहला जो सरकार का लक्ष्य हुआ था वो था टेस्टिंग, कि हम लोग टेस्टिंग का दायरा बढ़ाएं ताकि उसी से क्या है कि संक्रमण का चेन को तोड़ा जा सकता है। अगर एक आप कोई पॉजिटिव आता है उसको ट्रैक कीजिएगा कि कहाँ से उनको इन्फेक्शन आया, ये सुविधा मुहैया कराना। तो हम उस वक्त ना यहाँ सुविधा थी, पूरे देश में कहीं भी पीपी किट का निर्माण नहीं होता था, जो उसका मुख्य है सैनिटाइजर्स, मास्क में जो बेसिक चीज़ें थी उस चीज़ का उत्पादन नहीं था। लेकिन उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की इतनी अच्छी भूमिका रही कि एक साल के अंदर आज के दिन में हम लोग के सभी जिला मुख्यालयों में आरटीपीसीआर की जाँच की सुविधा उपलब्ध है, और ट्रैकिंग तो है ही। उसका ट्रीटमेंट बहुत बड़ा एक चैलेंज था। जो मेरी स्वास्थ्य व्यवस्था थी उसको कोरोना के हिसाब से सुदृढ़ करना, और हम लोगों ने उसको किया। बिहार के में अभी मेडिकल कॉलेज पहले 6 ही थे, वर्तमान में अभी हम लोग के पास बिहार में ये 10 जो है, ये जो है बिहार सरकार के मेडिकल कॉलेज हैं, 2 केंद्र सरकार के और
और एक ये और आठ जो है सो हम लोग का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। अच्छा, तो संख्या भी बढ़ी, संख्या 20 हो गई जी अभी मेडिकल कॉलेजेज की। और ट्रीटमेंट में हर सदर हॉस्पिटल, सब डिविजन हॉस्पिटल तक जो भी इसकी जो इलाज की जो मूलभूत सुविधाएं हैं सभी बनाई गई। आप लोग को याद होगा जो द्वितीय चरण में बहुत बड़ा एक ऑक्सीजन के लिए काफी समस्या हुआ हुई था, क्योंकि उस वायरस का एक स्ट्रेन था कि बॉडी के ऑक्सीजन इंटेक को काफ़ी बढ़ा देता था जी। तो काफ़ी कठिनाई आई। आज के दिन में हम लोग का अनुमंडल अस्पताल तक उसका अपना ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है, पीएसए प्लांट से। अच्छा। इसमें कई फंडिंग है, पीएम केयर फंड और भी कई तरह सीएसआरस के, मतलब कि आज मैंने हम लोग उस चुनौती से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है, चाहे उसका। बल्कि अभी तीसरी लहर में हम लोगों ने एक बहुत इनोवेटिव कार्य किया कि जैसे ही कोई पॉजिटिव होता था तो उसके एड्रेस पर अगले दिन स्पीड पोस्ट से सारा दवाइयाँ और किट, और किट में मतलब दिखा रहा था कि इलाज का कैसे, जो होम आइसोलेशन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो इसके होम आइसोलेशन में ठीक होते हैं, तो होम आइसोलेशन का किट्स भेजा जाता था। ये सब हमने कोरोना में बहुत अच्छा कार्य किया है और आज हम लोग सरकार पूरी तरह तैयार है अगर कोई चौथी लहर आती है तो। जी जी, मैं सराहना करना चाहूँगी कि जो वो दौर था वो बहुत दबाव का दौर था और आपने बहुत अच्छे तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने इसको संभाला है और आपने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं अगर कोई लहर आती है तो उसका सामना करने के लिए। चूंकि आप स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हैं तो आम जनता की ओर से एक सवाल और भी मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। कई सारी ऐसी योजनाएँ सरकार चला रही है जिनका फ़ायदा हम आम जनता तक पहुँचा सकते हैं, कार्यक्रम के माध्यम से किन योजनाओं के बारे में बताना चाहेंगे? नहीं, मैंने पहले ही कहा कि राज्य सरकार जो है सो स्वास्थ्य सेवाओं को समाज के अंतिम पैदान तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है। आप जानते हैं कि हमारे अधिकांश जो निचले पैदान पर लोग काफ़ी गरीब हैं, तो उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि राज्य सरकार ने मुफ्त दवा वितरण का एक स्कीम चलाया है और इसमें कोई भी मरीज जो है हम लोग किसी सरकारी संस्थान में जाता है उसमें जो ज़रूरत के हिसाब से लगभग सभी दवाएँ उपलब्ध हैं। तो एक इसके अलावा जो टेस्टिंग वगैरह भी है, चाहे सदर हॉस्पिटल हो, पीएससी हो, अनुमंडल अस्पताल है, जो बेसिक डायग्नोस्टिक जांचें भी उपलब्ध हैं। तो अगर कोई जाता है सरकारी अस्पताल में तो उसे निशुल्क इलाज उपलब्ध होता है। उसके बाद जो राज्य सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना आई है वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको आयुष्मान भारत के नाम से जाना जाता है। तो ये इसमें है कि जो भी हमारे देश में जो इसका जो बोला जाता है पूर्विकता प्राप्त व्यक्ति NFS है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं उसमें से लगभग 1,09,00,000 परिवार हम लोग का उसे आच्छादित है। मैंने 9,00,000 मतलब कि समझ लीजिए 2.5 मान लिया जाए तो लगभग 5.5 करोड़ जो लोग जो हैं एक स्वास्थ्य बीमा से आच्छादित हैं। अगर उन्हें कोई गंभीर बीमारी होती है तो वो कोई भी इसके चाहे जो सूचीबद्ध अस्पताल है वहाँ जाकर मुफ्त ऑपरेशन या इलाज करा सकते हैं। इसमें अभी बिहार में ही अकेला 963 अस्पताल हमारे सूचीबद्ध हैं, 963 या 970 कुछ संख्या है, तो वहाँ जाकर के ये लोग मुफ्त इलाज करा सकते हैं। इस क्रम में क्या होता था कि कुछ राशन कार्डधारी जो कि लगभग 0.89 लाख फैमिली, वो क्या था कि छूट गए थे, क्योंकि जो ACC जो हम लोग का आर्थिक जनगणना 2011 के आधार पर हुआ था उसी के आधार पर इसका चयन किया गया था बेनिफिशरीज का, उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोग छूटे हुए थे जो कि हम लोग का 2 रुपये किलो अनाज नेशनल फूड के अंदर ले रहे थे परंतु उनके सुविधा नहीं थी। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग से अभी जस्ट लॉन्च हुआ है, अभी होने वाला है, मतलब वो सब कुछ हो चुकी है, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, वो लगभग 90,00,000 परिवार को इसमें आच्छादित किया जा रहा है, जो जिसका पूरा व्यय राज्य सरकार ही वहन करेगी। जी जी। तो इसमें कोई भी आदमी इलाज कर सकता है। इसके अलावा एक योजना और भी है, मुख्यमंत्री चिकित्सा अनुदान। इसमें कई तरह के असाध्य रोग हैं जिसमें मुख्य तौर पर जो अभी अधिकांश बीमारियां होती हैं, कैंसर, हार्ट पेशेंट्स वगैरह, तो अगर वो उसकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम की है जी। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, एक कोई भी CGHS सूचीबद्ध अस्पताल में अच्छा। अस्पताल से एक एस्टीमेट और एक 2.5 लाख से कम का अमाउंट ला के जमा करना है विभाग में, उनको जो राशि है पूरी की पूरी अस्पताल में भेज दी जाती है, उनका मुफ्त इलाज होता है। मतलब ये लगभग लगभग प्रत्येक सप्ताह 500 से 600 लोगों को हम लोग ये सुविधा दे रहे हैं। इसके अलावा एक और एक बाल हृदय योजना एक जो नया लॉन्च किए हैं हम लोग,
अहमदाबाद में, अहमदाबाद में साइंस, इसमें होता था कि जो बच्चों के हृदय में जो छेद होता था जी जी, उसके चलते उसका सर्जरी काफ़ी कॉस्टली था, तो राज्य सरकार ने अहमदाबाद के श्री साइंस सेंटर से MOU किया है जी जी। इसमें उन लोगों का मुफ्त उसका ऑपरेशन होता है। अच्छा, उसकी टीम यहाँ आती है, उसके बच्चों का स्क्रीनिंग करती है, उसमें आने जाने का भाड़ा राज्य सरकार देती है, और उनको और बच्चे और उनके साथ एक सहयोगी का, और वो वहाँ जाते हैं, वहाँ से ऑपरेशन करा कर आते हैं। तो एक बहुत ही एक सफल योजना है, अभी तक लगभग 1100-1200 बच्चों को एक साल के अंदर में हम ये लोग सुविधा मिली है, करा चुके हैं, मिली जी जी, बड़ी सफलता मैं कहूँगी। इसके अलावा और भी कुछ योजनाएं तो कई हैं, जैसे PM डायलिसिस योजना है। अच्छा, इसमें जो है जो गरीब आजकल किडनी का फेलुअर्स रेट है, तो इसमें इसमें भी जो NFSA कार्ड होल्डर्स हैं उन लोगों को मुफ्त डायलिसिस सभी सदर अस्पतालों में दी जा रही है। बहुत सारी योजनाओं के बारे में एक और चीज है, एक चीज और अगर छोड़े हम लोग मैटरनिटी केयर जो सबसे इम्पोर्टेंट है हेल्थ का पार्ट है, तो पहले बिहार में जो है इसका जो मोर्टलिटी रेशियो था मदर का या किड का बहुत ज़्यादा था, वो विगत राज्य सरकार के मैंने प्रयास और बेटर ट्रीटमेंट के चलते आज वो काफ़ी गिर गया है जी जी। तो और ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है और राज्य सरकार इसके लिए पूरी तरह प्रयत्नशील रहती है जी। आपके माध्यम से कई बातों की जानकारी मैं समझती हूँ हमारे दर्शकों को मिली, बहुत सारी योजनाएं जो सरकार चला रही है। एक चीज़ खाली छूट गया, मैं ऐड करना चाहूँगी, एक टीकाकरण, हाँ, जो कि कोविड का टीकाकरण अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ये जानकारी जरूर बहुत अहम है कि जो है, और ये टीकाकरण एक ऐसा चीज़ था कि पहली बार चाहे वो पटना का बड़ा से बड़ा परिवार भी हो जो शायद सरकारी अस्पताल की ओर रुख नहीं करता था, टीकाकरण के लिए रुख किया। आज हम लोग लगभग 13 लाख लोगों को टीका दे चुके हैं और सभी अभी 12 साल तक के आयु वर्ग को दिया गया है। एक और चीज़ राज्य सरकार ने एक और निर्णय बहुत बड़ा लिया है जो मैं बताना चाहूँगा, जो बूस्टर डोज था प्रिकॉशनरी डोज वो था कि केंद्र सरकार का निर्णय हुआ कि ये ऑन पेमेंट मिलेगा और प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलेगा, लेकिन राज्य सरकार ने आगे बढ़कर इस पूरी योजना को मुफ्त कराया, इसके लिए लगभग 1000 करोड़ से अधिक पैसे का भुगतान भी करने की तैयारी है। तो टीकाकरण एक बहुत ही सफल कार्यक्रम हम लोग का है, इसके अलावा रूटीन इम्यूनाइजेशन जो होता है वो तो हो ही रहा है, वो कार्यक्रम भी साथ बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है जी। सीमित अवधि में मैं कहूँगी बहुत सारी बातों की जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुँचाई है, और ख़ास करके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, क्योंकि बहुत अहम है स्वास्थ्य का सही रहना, और जब जनता स्वस्थ रहती है तभी हम अपने देश की प्रगति की और अपने समाज की प्रगति के बारे में सोच सकते हैं। अगर मैं बात करूं आपकी सेवा के बारे में, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो बिहार प्रशासनिक सेवा से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि इस सेवा से लगाव भी रखते हैं और जनता से भी सीधे जुड़ने का उन्हें मौका भी मिलता है। कैसी तैयारी करनी चाहिए और कब से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल उनके मन में भी होते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए क्या है कि जो बिहार प्रशासनिक सेवा है राज्य का एक प्रीमियर सेवा है जी, और आप किसी दूसरे सेवा में जाते हैं तो आप सिर्फ एक विभाग में काम करते हैं, लेकिन बिहार प्रशासन सेवा एक ऐसा है कि शायद ही कोई राज्य सरकार ऐसा विभाग है जहां बिहार प्रशासन सेवा पदाधिकारी नहीं कार्य करते हैं। तो इसमें जो है राज्य के किसी भी कार्य से आप जुड़ सकते हैं, इसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन है, तो यदि आपके मन में इच्छा है कि हम लोक सेवा से जुड़े तो ग्रेजुएशन इज़ द बेस्ट टाइम, ग्रेजुएशन के बाद वो तैयारी शुरू करें। और सब्जेक्ट इसमें तो एग्ज़ाम सब्जेक्ट का होता है और जनरल स्टडीज़ का होता है, तो जनरल स्टडीज़ के लिए क्या है कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है GS का मेकअप, माइंड मेकअप, इसके लिए सबसे बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं करनी रहती है। एक है कि 10th का NCERT का सारा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए जी। और दूसरा है कि अखबार नियमित रूप से पढ़ना चाहिए, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स, जो कोई भी बच्चा यदि उसको साल दो साल अच्छे से पढ़ता है तो और सब्जेक्ट में उसकी अच्छी तैयारी है तो उसकी सफलता तय होती है जी जी। आपने बहुत अहम बात ये बताई कि जो बुक्स हैं उनके बारे में आपने कहा कि कैसे उन्हें अपने अध्ययन में शामिल करना चाहिए। ज़्यादातर बच्चों के मन में ये भी सवाल होता है कि जब हम लंबी अवधि तक बैठेंगे पढ़ेंगे तभी हमें सफलता मिलेगी, और जो अखबार है उन्हें भी किस तरह से, अखबार पढ़ने की भी अगर बात करूँ तो किस तरह से ध्यान देना चाहिए, किन बुंदियों पर नज़र रखनी चाहिए, क्या बताएंगे? नहीं, अखबार में क्या होता है कि लंबा समय नहीं होता है, अगर कोई टारगेट ओरिएंटेड तैयारी करे तो जल्दी भी होता है, हाँ, लेकिन जो उसमें कंपटीशन जो है काफ़ी टफ होता है तो हो सकता है समय लगे, लेकिन इसके लिए कोई भी एक दो प्रयास में जो बच्चा सीरियस उसको हो जाता है
अखबार पढ़ने में मुख्य तौर पर जो है कहाँ नज़र रखनी चाहिए? मुख्य तौर पर जो है सो समसामयिक जो न्यूज है, चाहे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, विशेष तौर पर विकास से संबंधित, स्पोर्ट्स से, और जो इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह, ये सब चीज़ों पर इन्हीं सबसे प्रश्न पूछा जाता है ज़्यादातर, तो वहाँ नज़र ज़्यादा उस पर नज़र ज़्यादा रहनी चाहिए। अब कोई स्थानीय क्राइम वगैरह का रिपोर्ट है तो ठीक है, पढ़ेगा ही आदमी, लेकिन उसका बहुत इसमें रोल नहीं होता जी। तो उसे देख करके और उस तरह से आंख करके ही आपको अपने जहन में भी बातें रखनी चाहिए। एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, जब हम तैयारी का जिक्र कर रहे हैं तो इंटरव्यू भी एक अहम स्थान रखता है, उसकी तैयारी कैसी होनी चाहिए? क्योंकि कभी कभी जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें पकड़ अच्छी होती है सब्जेक्ट पर इंटरव्यू उनके सामने सवाल खड़े कर देता है। नहीं, नेचुरल है, जब कहीं कोई इंटरव्यू लेने जाता है तो मन में एक भय तो होता ही है जी, लेकिन ये इंटरव्यू लिया ही जाता है कि आपके पर्सनालिटी को चेक करने के लिए जी। तो पर्सनालिटी को बढ़ाने के लिए जो है, आपको मैंने बताया कि नॉलेज इज पावर, अगर आपको जानकारी है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है जी। इसमें जो है सो मॉक इंटरव्यू करना चाहिए, जो बच्चों को तैयारी, जैसे मिरर के सामने बोलना या किसी अच्छे मतलब कि जो है संस्थान की थोड़ा मदद ले लेना, वो थोड़ा गाइड करता है कि कैसे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, बाकी तो आपकी जानकारी ही है इंटरव्यू में जी। अगर आप अच्छे से प्रेजेंट अपनी बातों को कर पाते हैं तो आपकी सफलता निश्चित है जी। और कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातों को रखना, आत्मविश्वास जी, आत्मविश्वास भी कहीं ना कहीं मायने रखता है। वही तो पर्सनालिटी का टेस्ट हो रही है, जो सेवा आपको दी जा रही है नेचुरल है, चूंकि आप जरूरी भी है, चूंकि जब आप लोक सेवा में आते हैं तो आपको मैंने डेली कहीं ना कहीं किसी मीटिंग में अथी में आपको जनता को फेस करना है, लोगों को फेस करना है, तो अगर आपकी पर्सनालिटी ठीक नहीं रहेगी तो फिर कहते हैं ये एक चयन का आधार तो है ही जी। जी, अगर आपकी अपनी दिनचर्या की बात करूं, क्योंकि आपको जो दायित्व दिया गया है वो बहुत अहम है और काफ़ी व्यस्त रहती होगी दिनचर्या, कैसी होती है दिनचर्या और कैसे मैनेज करते हैं अपने सारे कार्यों को? नहीं, दिनचर्या वास्तव में बहुत व्यस्त होती है जी, क्योंकि मैं जिस पद पर हूँ माननीय मंत्री जी के, आप सचिव के मंगल पांडे जी जो बिहार के बहुत ही एक्टिव मिनिस्टर हैं, तो उनके साथ है, और मतलब कि उसमें भी काफ़ी इंगेजमेंट है, साथ ही मैं बिहार परिवहन सेवा संघ का अध्यक्ष भी हूँ, इसके अलावा कई सामाजिक, लेकिन इसको टाइम मैनेजमेंट जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो टाइम को मैनेज करना पड़ता है। मेरी दिनचर्या सुबह होती है, लगभग 6 बजे शुरू होती है, मैं पिछले 2-3 सालों से लगातार मैं कुछ स्पोर्ट्स जिम एक्टिविटी में रहता हूँ, उसके बाद मैं लगभग 10 बजे ऑफिस जाता हूँ, और काम करते करते रोज 8 बज जाता है, लेकिन जो टाइम मैनेजमेंट होता है मैं उसको बहुत अच्छी तरह से कर सकता हूँ, और इस कार्य में मेरी पत्नी जो है उनकी अहम भूमिका जो सपोर्ट करती हैं, जैसे संघ के कार्यों कारण मुझे अक्सर अवकाश के दिनों में भी कार्य करना पड़ता है, लेकिन फिर भी उनका जो सहयोग है, मैं इस परिवार के सहयोग से ही हम उन्नति करते हैं। और आपकी इस महत्वपूर्ण बात के साथ कि टाइम मैनेजमेंट भी बहुत मायने रखता है, आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कार्यक्रम में आने के लिए, हमसे मुलाकात करने के लिए और वक्त निकालने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, आज हमने बातचीत की हमारे आज के मेहमान श्री शशांक शेखर सिन्हा जी से। आप स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार के आपदा सचिव हैं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां भी हमें मिली इस सेवा से कैसे जुड़ना है और क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आपका भी एम है इस सेवा में जुड़ना। इन जानकारियों के साथ ही आपको ये भी कहूँगी कि कैसा लगता है हमारा कार्यक्रम, ये भी हमें ज़रूर लिख भेजें। हमारा पता नोट करें, हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान द्वारा केंद्र निदेशक डीडी बिहार, फ्रेजर रोड, पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है director.ddk@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, हैव अ वंडरफुल डे, नमस्कार।